नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी भाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहां पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, विज्ञान सॉरी गणित, ठीक है। और इससे पहले मैंने 16 लेक्चर अपने दे दिए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लासिक्स की, है ना, तो वहाँ जाके आप सारे लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको जो आगे वाले जो अभी हम लेक्चर समझा रहे हैं वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और पाठ की अगर बात की जाए तो तीसरा चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा है और आज इसका लास्ट टर्न, यानी कि आज एक्सरसाइज लगभग हमारी हो जाएगी, कुछ बचेंगे तो अगले मतलब टर्न में हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो भी मैं वीडियो भेजा करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, अब हमारी जो नई एक्सरसाइज शुरू होनी है ना, तो उसमें हमें को कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसा बना हुआ है ना, ये आपका डंडा खिंचा हुआ है, तो उसको कहा जाता है रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। और अगर ये वाला आपका है इस प्रकार से बना हुआ तो उसको कहते हैं छोटा कोष्ठक, और ये आपका होता है मझला कोष्ठक, और ये जो इस प्रकार से बना होता है बच्चा, ये हमारा होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि बड़ा कोष्ठक, और ये हमारा मझला होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। फिर सुनिए जरा गौर से, पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक, इस प्रकार का जो दिखाई देता है वो आपका कहलाता है छोटा कोष्ठक, ये वाला आपका मझला कोष्ठक होता है, और ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक नियम दिखाई देगा, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। ये नियम कहता क्या है पहले वो समझिए, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स, है ना, ऑफ, है ना, डिवीज़न, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमको ये समझना है कि जब भी हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का यानी हम लोग करेंगे, अगर इसके बाहर कोई संख्या है तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद भाग को किया जाता है पहले, उसके बाद नंबर आता है गुणा का, उसके बाद जुड़ का, और उसके बाद घटाने का, यानी कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से दी जा रही है, कैसी, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है आपका, है ना, 3 × 6, है ना, और भागित आपका 6 दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि भाग हमको पहले करना है, गुणा हमको बाद में करना है, अब इस कंडीशन में एक तरफ गुणा हो रहा है और यहाँ पर भाग हो रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 6 × 6 का भाग जाएगा, बच्चा कितना आएगा हमारा, 1 बचेगा, और फिर जो आएगा उसका बेटा हम लोग गुणा करेंगे इसमें, समझ रहे, ऐसा नहीं है कि आपने 6 × 3 = 18 कर दिया यहाँ पर, और ये हमारा उसमें आप लोग क्या दे रहे, बाद में भाग दे रहे, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आंसर जो होंगे वो आपके बदल जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाग पहले करना है आपको, फिर गुणा करना है, फिर आपको जोड़ना है, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, घटाना है। ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मझला कोष्ठक किया जाता है सॉल्व, है ना, उसके बाद छोटा कोष्ठक, है ना, फिर आपका होता है रेखा कोष्ठक, है ना। अब ये होता, अब यहाँ पर क्या, ये तो क्रम हो गया हमारा, सॉल्व कैसे करेंगे हम इनको, सॉल्व में रेखा कोष्ठक पहले करेंगे, छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, और फिर आपका है बड़ा ब्रैकेट, यानी कि लिखने का तरीका पहले बड़ा होता है, फिर छोटा मंझला होता है, फिर उसके अंदर छोटा होता है, फिर रेखा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेटा आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जरा गौर कीजिए, ये लिखा है 14 माइनस के, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 12, फिर माइनस के मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, फिर हमारा माइनस लगा है, फिर हमारा छोटा कोष्ठक है, फिर हमारा ये रेखा कोष्ठक है। तो हम सॉल्व कहाँ से करना शुरू करेंगे, इस सवाल में जरा गौर करें सभी लोग, कि सबसे पहले हमने क्या किया, 6 में से 2 को घटा दिया, हमारा कितना बचा, 4, बाकी तुम्हारा जैसे का तैसा, ठीक है। फिर हम लोग अगले वाला जो अंदर वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 7 में से 4 जाएगा हमारा, 3 बचेगा। फिर हम लोग मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। फिर हम बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और लास्ट में 14 में से 6 जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको समझना क्या है, पहले हमको रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है, फिर हमको छोटा कोष्ठक करना है, फिर हमको मझला कोष्ठक करना है, फिर हमको क्या करना है, बड़ा कोष्ठक करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको आगे चलते रहना है, ठीक। आगे देखो, फिर आ जाइए जरा यहाँ पर क्या है, वैसे ही आपको सवाल दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और हमको सॉल्व कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया, और अब जितने बेहतर आप इसका रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका लिखा है पहले में, ठीक है ना, क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए, पहले में लिखा है 21 + 18 भागित में हमारा लिखा है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जोड़ करना है या भाग, तो आपको पता है पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, तो पहले भाग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 का आप लोग भाग दीजिए 18 में,
कितने बार जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 बार। अब जो 6 आया उसको 21 में जोड़ दीजिए, 21 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 27। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, निकल के आ गया ना हमारा आंसर, हमारा कितना निकल के आ गया 27 हमारा आंसर आ गया। पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, उसके बाद घटाना, ठीक है। अगला जरा देखिए बच्चा, सॉल्व करना है बेटा आपको, हम सॉल्व कर करके दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, कॉपी में सॉल्व करके ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 123, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हाँ 123 माइनस के 81 है ना, भागित हमारा कितना है 9, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस करेंगे या भाग करेंगे तो आपको पता है कि पहले हमको भाग करना है, अगर फिर भाग नहीं है तो फिर गुणा करेंगे, गुणा नहीं है तो फिर जोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, 123 तो लिखा ही है, 9 को 81 से डिवाइड कीजिए तो 9 × 81 माइनस का हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब 123 में से जब हम लोग क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे बच्चा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 114, कितना आएगा 114, क्योंकि 114 और 9 जब ऐड करते हैं तो हमारा 123 आता है। तो 123 में से 9 को लेस करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारा 114 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा बेटा अगला देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरे में लिखा है 13 माइनस के ब्रैकेट में लिखा है छोटा ब्रैकेट 8 × 2 प्लस के 3, यही तो है हमारा। तो सबसे पहले हम इसको जैसे तैसे, अब यहाँ पर देखिए जोड़ घटाना बाद में, पहले मंझला कोष्ठक यानी छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे हम लोग। तो गुणा हो रहा है तो 8 × 2 हमारा कितना हो गया 16 प्लस के 3, हम ब्रैकेट को हटा देंगे, 13 माइनस के 16 प्लस के 3। अब समझो ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की है, तो 13 और 3 मिलके 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 16 हो गया हमारा, हो गया। और माइनस के 16 ये लिखे हुए थे तो माइनस के 16 होगा, 16 में से 16 चला गया या कट गया, कितना आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर इसका बेटा कौन सा होगा, इसका आंसर जो आएगा वो 0 होगा, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, क्या दिया गया 12 माइनस के छोटा ब्रैकेट 3 माइनस के 12 सॉरी 13 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है शायद भाग का चिन्ह है, जी भाग का चिन्ह है यहाँ पर, भाग का चिन्ह, और हमारा लिखा है 3। तो अब आप पहले 13 में से 12 को घटाएंगे या 3 का भाग 12 में देंगे, बोले सर जी अब तो हमको आने लगे, क्या आने लगे, अब आपको ये पता चल गया कि पहले हमको भाग करना है, ठीक है। तो 12 जैसे का तैसा, ब्रैकेट जैसे का तैसा, पहले अंदर सॉल्व करो। तो 3 का भाग जब हम लोग 12 में देंगे ना तो हमारा कितना आएगा बेटा, फिर हमारा आने वाला है कितना, 3 का भाग जब हम 12 में देंगे तो 3 × 12 13 माइनस के हमारा कितना होगा 4। अब हमारा माइनस लगा है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13 में से 4 गए हमारा कितना बचा बच्चा 9, ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस के 9, 12 में से 9 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, 3 होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना बच्चा। तो ये तो हमको समझ में आ गए ना, अब अगर और भी आपको नहीं आए तो और भी देख लीजिए आपको, अब मतलब ये कैलकुलेशन आज हो जानी है कंप्लीट, ठीक है। 5 × 7 प्लस के 7 ये वाला हमको दिया जाए सवाल, ठीक। तो सबसे पहले माइनस प्लस गुणा वाला चिन्ह है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 28 में से 5 को घटा देंगे या गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले भाग करना है फिर हमको गुणा करना है, भाग तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब हमको गुणा करना है। तो 7 का गुणा करेंगे हम लोग किस में, 35 में, 5 में करेंगे तो 7 × 35 प्लस के कितने लिखा बच्चा 7। अब लोग समान चिन्ह देखेंगे तो 28 जो हैं बेटा वो प्लस के हैं, 7 जो हैं वो काय के हैं, प्लस के हैं। तो 28 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा प्लस के ही 35 आएंगे, और माइनस के ये वाले जो 35 हैं वो जैसे के तैसे, ठीक है। तो 35 में से हमारा 35 जाएगा, हमारा कितना आएगा आंसर 0 होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना होगा बच्चा, वो 0 होगा, ठीक है। जल्दी से देखते हैं बेटा अगला, 117 है ना छठवां वाला हमारा, और भागित में हमारा लिखा है 7 प्लस के कितना लिखा है 6, ठीक है ना। तो 117 हमारा जैसे का तैसा, भाग को पहले तो बाद में, पहले अंदर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद भाग करेंगे हम लोग, ब्रैकेट पहले सॉल्व किए जाते हैं ध्यान रखना। और ब्रैकेट में भी तरीका क्या है आपका, पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक, क्योंकि यहाँ पर छोटा है तो इसको ही सॉल्व कर लेना हमको, ठीक है ना। तो 7 और 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो बेटा हमारा आएगा 13, ठीक है ना। आप 13 ब्रैकेट खोल दीजिए, आप क्या लिखेंगे 117 और भागित हमारा लिखा है 13, ठीक है। तो 13 का भाग देंगे हम 117 में, 13 नम्मा 117 या 39 × 117 होगा हमारा, ठीक है। तो 9 होगा इसका, यानी कि 9 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे, अभी आपको होमवर्क भी देंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए बेटा अगला देखिए, माइनस के 17 प्लस के 8 भागित बच्चा लिखा हमारा कितना लिखा है, हमारा लिखा हुआ है 7 − 3, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, भाग, अब भाग से पहले आपको पता ही है
क्या पता है आपको कि ब्रैकेट को हमको खोल देना है, हो गया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो भाग तुम्हारा जैसे कि तैसा, सात में से तीन जाएगा हमारा, बच्चा बच्चे का चार। ब्रैकेट को खोलिए, इधर माइनस के 17 हैं, इधर प्लस के 8 हो गए, इधर भाग है 4, यानी भाग का मतलब यहाँ पर भागत में कितना लिखा है 4, हमने ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है ना। अब हम लोग भाग करेंगे कि जोड़, तो आपको पता ही है कि पहले हमको भाग करना है, तो 4 का भाग जो है वो हम लोग कितने में देंगे, वो हम लोग देंगे 8 में, तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 17, प्लस के हमारा कितना बचा 2, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 17 में से 2 को घटा देना है हमको, आंसर हमारा कितना आएगा 15, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि माइनस जो है, माइनस वाली जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, बड़ी थी, मतलब ज़्यादा थे माइनस के, ठीक है। अगला देखो बच्चा, हमारा बच्चा है कौन सा, ये तो हमारा हो ही गया, ठीक है, और आठवां जो है बच्चा वो आपको कर लेना है, ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, कि हम ही लगवा दें, अब क्लास तो नहीं है, चलिए ठीक है, चलो हम ही लगवा देते हैं, ठीक है। सात में देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस के 3, फिर प्लस ब्रैकेट लगाओ माइनस के 6, भागित ब्रैकेट लगा माइनस के 3, सबसे पहले ब्रैकेट को खोल देना है हमको, ठीक है, तो माइनस के 3, प्लस और माइनस बेटा माइनस, भागित कितना लिखा माइनस के 3, ठीक है, तो पहले हमको क्या कर लेना है, माइनस 6 में माइनस 3 से भाग देंगे हम लोग, तो माइनस और माइनस बच्चा क्या होगा, प्लस होगा हमारा, माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो ये 3 तो जैसे के तैसे होगा हमारे, 3 दूनी कितना होगा हमारा 6, वो भी काय का होगा बच्चा, वो हमारा होना है प्लस का, ठीक। अब यहाँ पर कितना, अब ये कैसे आया, इसका मतलब ये होता है माइनस के 6, अब ये भाग का मतलब बटे बोला जाता है इसको, माइनस के 3 ऐसे ही तो लिखा होगा, इसको जब हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, प्लस के 6 आ गया, 2 आ गया हमारा, ठीक है, तो 3 में से हमारा 2 जाएगा, हमारा कितना बचेगा बच्चा, हमारा बचेगा माइनस के 1, ठीक है, हमारा कितना बचना है, हमको बचना है माइनस का 1, ठीक है ना। चलिए बेटा आंसर हमारा हो गया, आगे देखिए, ये आपका नौवां सवाल है, ये क्या है, 17 प्लस के ब्रैकेट लगाओ माइनस के 2 गुणा में कितना लिखा है, माइनस के 5 और माइनस के कितना लिखा है 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 17 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस के 2, यहाँ पर फिर कितना गुणा लिखा है, माइनस के 5 और माइनस के 4 लिखा है, तो पहले हमको क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो माइनस और माइनस बच्चा क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और माइनस के यहाँ पर कितना लिखा है 4, अब हम लोग जोड़ेंगे प्लस प्लस को, तो 10 और 17 मिलके बच्चा कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल 27 हो गया, और माइनस के 4, 27 में से 4 जाएगा बच्चा, हमारा कितना बचेगा, तो हमारा आंसर आना है 23, कितना आंसर आना है हमको, हमारा जो आंसर आना है वो बच्चा कितना आना है 20, है ना, 3 आंसर आना है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना आपको। अब हम लोग ये कोष्टक वाला सवाल सॉल्व करने वाले हैं, कोष्टक में लिखा है 13, भागित कितना लिखा है 4, और माइनस के 3, उन पर चढ़ाया रेखा कोष्टक। अब ये रेखा कोष्टक का मतलब भाई साहब ये है कि आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको इसको ही सॉल्व कर लेना है, क्या कर लेना है, पहले जो है वो आपको इसको ही सॉल्व कर लेना है, कारण क्या आपको पता ही है, कारण ये है कि पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करो। अब ये मत कहना कि यहाँ पर सर जी गुणा कर देंगे हम 4 का 13 में, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले ब्रैकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद आपका घटाना, ठीक है ना, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा, फिर आपका आपका जो होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर बड़ा, है ना, मंझला होता है, उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है, बड़ा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 13 भागे जैसे तैसा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है या ब्रैकेट में ना लिखा हो तो ऊपर चला है कितना 3, तो 4 में से पहले 3 को घटाना है हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 13 माइनस भागे जैसे के तैसे हमारा, 4 में से 3 गया हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 का भाग जब तुम 13 में दोगे ना, तो आंसर तो वही आ जाना है हमारा, क्योंकि 1 का भाग किसी में दे जाता है तो आंसर तो वही आता है। तो इसके बेटा जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा कितना आ रहा है इसका, शायद अभी हाल निकाला था हमने, 13 निकला था, है ना, 4 में से, हाँ 13 आपका इसका आंसर आ गया, हमने रेज कर दिया था इसलिए, ठीक है। तो बच्चा ये जो आपका, उसके बाद आपका नौवां सवाल है, और उसके बाद नौवां क्यों के लिए, ये आपका 11वां सवाल है, और ये आपका 12वां सवाल, ये आपको दोनों करने हैं घर पर, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक। उसके बाद आ जाओ बच्चा, उसके बाद हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय रूप में आपको लिखना है। आपको क्या करना है, गणितीय रूप में आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखा है बच्चा, ज़रा गौर कीजिए, इसमें लिखा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 8 से
है ना, 8 से आपको गुणा करना है। कितने का गुणा करना है? 6 और 3 का योगफल। तो एक ब्रैकेट में हमने 6 प्लस के 3 लिख दिया। अब बोले सर जी ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि हमको इनके योगफल से गुणा करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते 6 प्लस के 3 गुणा में 8 लिखते, तो 8 का गुणा सिर्फ और सिर्फ कितने में होता? 3 का। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 से 6 और 3 के योगफल को गुणा, तो 6 और 3 का ये तो हो गया योगफल, और इनसे गुणा करना है 8 से। समझ में आ गई? तो ये आपका बेटा, अरे एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, ये जो होगा इसका हमने आपको लिखा ही था 6 प्लस के 3 इंटू में 8, ये आपका सीधा सीधा ये हमको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बेटा पूछे जाएंगे, इनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगला देखो बच्चा, यहाँ पर हमारा लिखा है 18 भागत में हमारा है कितना, है ना, क्या लिखा है देखो, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो 4 और 2 का ये तो हो गया योगफल, चूंकि योगफल है तो ब्रैकेट में ही लेंगे हम लोग, है ना, से 18 का भाग। तो यहाँ पर हमने क्या किया दिया, भागत में कितना लगता है 18, यानी कि 18 में भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 और 2 के योगफल का। तो इसका जो लिखा होगा वो 18 भागे 4 प्लस के 2 ब्रैकेट में, ठीक है। अगला देखो बेटा, ग वाला, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग देना है, 20 जो है 20 में कितने से भाग देना है हमको, है ना, तो भाग देना आपको 6 और 2 के अंतर, अंतर का मतलब घटाना, अच्छा 6 में से 2 जाएगा, ये 6 और 2 का अंतर हो गया, 6 में से 2 का अंतर, इससे आपको भाग देना था, बस हमारा आंसर आ गया। हमको सिर्फ लिखना है, उस रूप में सॉल्व नहीं करना, नहीं आप लोग सॉल्व करने लगे, ठीक है। घवाला देखो जरा, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 4 और 5 के गुणनफल से, तो 4 और 5 का गुणनफल यानी कि ये माइनस घटाना यानी कि माइनस के 12 है। अब बोले सर जी फिर से आपने वही कर दिया, 4 गुणा 5 माइनस के 12 लिख दिया, लेकिन अगर इसको ऐसा भी लिखा जाएगा तो ये गलत क्यों नहीं, क्योंकि गुणा पहले होगा और घटाना आपका बाद में, लेकिन जो वो कह रहे हैं आपको जैसा हमने लिखा था वैसा ही लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चा, फिर हमारा क्या है इंग्या वाला, देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से, है ना, एक अधिक संख्या का भाग, क्या कह रहा है वो फिर सुने, 40 में 40 तो समझेंगे, ये लग गया 40, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं 5 और 2 के योगफल से, 5 और 2 का योगफल, 5 प्लस के 2 का योगफल, है ना, से एक अधिक, एक अधिक, तो अब यहाँ पर अब हम प्लस वन लिखेंगे, लिखेंगे एक और अधिक के लिए, तो यहाँ पर हम लोग मंझला कोष्टक लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, क्योंकि छोटे के बाद नंबर किसका आता है, मंझला कोष्टक। तो यहाँ पर लिखा होगा 40 भागित, है ना, कितना मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक 5 प्लस 2, और प्लस के हमारा कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, ठीक है ना। तो ये हमको याद कर लेना है, ठीक। आगे देखो बच्चा, 3 से, कितने से, 3 से, है ना, 12 और 7 के अंतर से एक संख्या का गुणा, कितने गुणा, तो सबसे पहले वही आपको करना है, ठीक है, 3 से का मतलब यहाँ पर गुणा करना है आपको, ठीक है ना। 3 से 12 और 7 का अंतर, तो 12 और 7 का अंतर कितना होगा, 12 माइनस के 7 हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, इसमें और जोड़ा उन्होंने, क्या कहा, एक संख्या का गुणा, कितने संख्या का गुणा, एक संख्या का गुणा करना है फिर आपको यहाँ पर, सॉरी एक कम संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पर ये तो हो गया छोटा कोष्टक तो लग गया था, ये हमारा हो गया मंझला कोष्टक, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेना है, हमको यहाँ पर कितना है, शायद ये वाला है, ठीक है, हाँ यही तो है हमारा, क्या कह रहे हैं, 3 से 12 और 7 के अंतर, अच्छा अच्छा अंतर, है ना, से एक संख्या का गुणा करना है हमको, है ना। गुणा के लिए हमको क्या करना है, लो यहाँ पर लगा देना हमको गुणा, ठीक है, शायद गला लग गया हमारा। अब दोबारा देखिए, 3 से, तो हमने 3 कर दिया, ठीक है ना, से हो गया। आगे देखो, 12 और 7 के अंतर से एक कम, 12 7 के अंतर से एक कम, तो 12 और 7 का ये हो गया अंतर, एक कम यानी माइनस एक, है ना, से क्या करना है हम लोगों को, से कम का गुणा करना है। लो मंझला कोष्टक लगा दो, हमारा आंसर निकल आया। तो यहाँ पर 3 गुणा 12 माइनस के 7 माइनस के 1, ठीक है। आगे देखो बच्चा, फिर से सरल कीजिए, अब यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे सवाल ही सॉल्व हमको करने हैं। तो पहले कवाले पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। हमारा लिखा है 20, ठीक है, प्लस के मंझला कोष्टक 9 माइनस के 5, ठीक है ना, प्लस के यहाँ पर लिखा है 6 माइनस के, घटाइए जरा इसको, हाँ माइनस के 4 छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब चलो पहले हम लोग 20 जैसे का तैसा, हमारा प्लस के 9 माइनस के 5 हैं, यहाँ पर चाहो तो घटा दो क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा बच्चा, हमारा बचेगा 4,
प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है वैसे, ठीक है, उसके बाद जो आता है वो कर लेगा। यहाँ पर कुछ होना नहीं है, 9 में से 5 जा रहा है, अगर गुणा भाग होता कुछ तो हम लोग उसको जोड़ते पहले, ठीक है। तो 6 माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर जी 2 बचेगा। आप फिर से सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 4 और 2 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ब्रैकेट को हमको सॉल्व कर देना है, तो 20 है ना और प्लस के कितना हो गया आपके 6, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 था ना हमारा, 20 और 6 हमारा कितना हो जाए, ब्रैकेट खोलेंगे तो 20 और 6 हमारा आंसर आएगा बेटा 26, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे देखो बच्चा, खा वाला देखो, क्योंकि सवाल बहुत हैं और हमको 80 जल्दी से करने भी हैं, ठीक है। तो 80 गुणे तो मैं बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस के 7, ठीक है ना, गुणा में कितना लिखा 8 छोटा कोष्टक, ठीक है ना, और सॉरी मंझला कोष्टक है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है प्लस के 13 है, और यहाँ पर अरे गल लिखा है, एक मिनट रुकिए, 56 हमारा हो गया 56, माइनस लगाओ मंझला कोष्टक 7 इंटू में कितना है आपका 8, प्लस के कितना है आपका छोटा कोष्टक लगाओ 13 माइनस के 2 गुणा में कितना हो जाए 5, जो बंद, ठीक है ना, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, 56 हमारा, इनसे कुछ नहीं बोलना आपको, अंदर से सॉल्व करते हुए आना है, ठीक है। सबसे छोटा कोष्टक यहाँ पर देखो, पहले गुणा होगा या घटाना, तो हमको पता ही है गुणा होना है, तो 5 दूनी हमारा कितना हो गया 10, तो 7 गुणा कितने हैं 8, अगर चाहो तो ये कर सकते हो या आगे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 13 माइनस के 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 13 में से 10 जाए कितना बचेगा हमारा, तो 80 प्लस के यहाँ पर कितना लिखा है 56 है ना, और माइनस के 7 गुणा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 56 भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, और कुछ तो हो नहीं रहा है, तो 13 में से 10 जाएगा हमारा, कितना बचेगा बच्चा 3 बचेगा, ठीक है। 56 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, 80 और प्लस के यहाँ पर हमारा कितना लिखा है 56, जोड़ भैया 56 और 3 कितने हो रहे हैं भाई 57 हो रहे हैं, 57 हो रहे हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या बचा है सॉल्व, बस ये बचा है, तो 57 में से 56 जाएगा तो 1 बचेगा, काहे का बचेगा, तो आप कहेंगे सर जी ये हमारा बचने वाला है माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी थी, माइनस के 1। अब यहाँ पर प्लस, अरे इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट में कितना आएगा 80 प्लस, और यहाँ पर बचा था माइनस 1, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि 80 में से 1 गया 79, कितना आ रहा हमारा, ये हमारा आ रहा है 79 ही आ रहा है, है ना। अब हम लोग क्या करें, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तीसरे का खा है ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कुछ रह गया शायद, दोबारा से देखते हैं ज़रा, 80 और यहाँ पे गुणित भागित कितना है 56 माइनस के ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस, शायद हम कुछ लिखना भूल गए थे, 13 माइनस के 2 गुणा में कितना लिखा है बेटा 5, मतलब कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, देखिए सॉल्व कीजिए, तो 80 और यहाँ पर लिखा है गुणा, अच्छा सॉरी शायद यहाँ पर गुणा था, हम यहाँ पर प्लस का साइन ले गए थे लास्ट में, तो यहाँ पर 80, अब वही लास्ट वाला कर लिए, ये तो शायद हो गया 80 गुणा हमारा कितना बचा था, शायद 1 बचा था, एक ही था, अरे दोबारा से ही सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 80 और यहाँ पर कितना लिखा है गुणित, यहाँ पर 56 माइनस के है ना 7 गुणित में कितना लिखा 8, प्लस लगा हमारा यहाँ पर लिखा है 13, थोड़ा छोटा लिखेंगे बच्चा क्योंकि वो बनता नहीं है इसके, फिर हमको रेज करना पड़ता है पूरा, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक। तो 80 हमारा जैसे का तैसा, गुणा में हमारा लिखा है 56 जैसे का तैसा, माइनस के 7 हमारा कितना हो गया बेटा 56 हो गया, ठीक है, प्लस सॉल्व करेंगे, 5 दूनी हमारा कितना होगा 10 है ना, कितना आएगा आपका 13 माइनस के 10, ठीक है, तो अब हम लोग घटाते हैं, ठीक है ना, तो 80 प्लस सॉरी गुणा है गुणा, ठीक है ना, कितना लिखा है 56 और माइनस के यहाँ पर कितना लिखा है मंझला कोष्टक 56, 13 में से 10 गया हमारा, कितना बचेगा हमारा 3, ठीक है, तो 59 प्लस 3 कितना होगा 56 और प्लस 3 हमारा कितना होगा 59, ठीक है, तो 80 ऊपर लगा रहे हैं हम इसको, थोड़ा ध्यान देना सभी बच्चे, गुणा में 56 है ना, और यहाँ पर 56 में से 56 और 3 कितने हो रहे हैं हमारे, तो ये हमारे हो रहे हैं बेटा 59, ठीक है ना, 59, ठीक, घटाओ बेटा, तो 80 और 59 में से 56 लेस करेंगे हम लोग, कितना आएगा हमारा, तो हमारा आने वाला है 3, ठीक, और वो भी यहाँ पर कौन सा चिन्ह था गुणा का माइनस के, तो 38 24, यानी कि आंसर हमारे आने वाला है 20 240, ठीक है, माइनस के वो भी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलते रहना आगे, ठीक है,
हाँ, और लिखना और चिन्ह जरूर याद रखें, वरना आपने चिन्ह अगर गड़बड़ कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। फिर से देखिए जरा, गवाला देखिए, हम सारे सॉल्व करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। कुछ आपको घर के लिए भी देंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है बेटा। 16 माइनस के कितना लिखा है, ब्रैकेट 14 माइनस के 3 और यहाँ पर ब्रैकेट 9 माइनस के 6, मझला कोष्टक बंद, है ना, और ये आपका बड़ा कोष्टक बंद। तो 121 भागित, ठीक है, यहाँ पर क्या है 16, ठीक, माइनस के 14, अभी घटाना नहीं है आपको क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका गुणा होता है, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा, आप कहेंगे सर जी 3 बचेगा, ब्रैकेट में हम लोग 3 लिखेंगे, कोष्टक को हम लोग बंद कर देना है, मझला कोष्टक अभी है, ठीक है। 121 भागित हमारा कितना आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा 16 माइनस के, यहाँ पर आपका हो गया 14 माइनस के 3, इनके बीच जब कोई चिन्ह ना हो तो क्या माना जाता है, तो गुणा माना जाता है बच्चा, ठीक है, मझला कोष्टक। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका आएगा 121 भागित, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, है ना, ब्रैकेट लगाओ बच्चा 16 है, और यहाँ पर 3 त्रिका हमारा कितना हो जाएगा 9, तो माइनस के 14 और माइनस के हमारा कितना हो गया 9, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे फिर से हम लोग, 121 भागित, है ना, यहाँ पर कितना है 16, अब हमको घटा लेना है, 14 में से 9 जाएगा हमारा बच्चा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, बचेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से घटा देंगे, है ना, 16 में से 9 जाएगा। अब देखो ये समीकरण आपको याद कर लेना है, ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे ताकि आपको यहाँ पर हम सॉल्व कर सकें, शायद एक मिनट रुकिए, अरे क्योंकि अगर पूरा मिटा देंगे तो बच्चा हमको फिर समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पढ़ा रहे थे, ठीक ना। अब हमारा ये सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है जी। देखो तो हमारा कितना बचा है 121, ठीक है ना, और फिर हमारा कितना बचा है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे 121 भागित 16 में से आपका 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 11, ठीक है, 11 बचेगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को हटा देना है हमको, तो 121 भागित 11, तो 11 का भाग हम लोग कितने में देंगे, 121 में देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा आ जाना है बेटा 11, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे बच्चा आपको सॉल्व कर करके सारे सवाल करने हैं, इसमें से हमको क्या करना है, घ वाला सवाल जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, घ जो सवाल है बच्चा वो आपका कैसा रहेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। जल्दी से देखते हैं, आगे देखते हैं, इंग्या वाला सवाल पे हम लोग आते हैं, ये ब्रैकेट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्या वाला सवाल है, 12 माइनस के 5 गुणित, ब्रैकेट लगा हुआ है 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस के 8 माइनस के 2 और ये हमारा रेखा कोष्टक, ठीक है, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। सॉल्व कीजिए, 12 में से 5 गया हमारा क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करना होता हमको, तो 12 में से 5 जाएगा हमारा 7 बचेगा ब्रैकेट, गुणा लगा हुआ है बीच में 6 प्लस के, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रेखा कोष्टक को हल करना है हमको, ठीक है। 8 और 3 नहीं जोड़ेंगे आप लोग क्योंकि रेखा कोष्टक को हल करें तो 8 में से 2 जाएगा बच्चा तो हमारा 6 बचेगा, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। 7 ब्रैकेट को हटा दिया हमने, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 प्लस 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम लोगों को क्या कर देना है, अब हम लोगों को बेटा ब्रैकेट को खोल लेना है, तो 7 और यहाँ पर लिखा है 6 और प्लस के 9, चूँकि हमारा प्लस साइन लगा हुआ है तो प्लस के साइन में फिर से हम लोग इरेज कर दें जरा इसको, ठीक है, ऊपर वाला, हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ गया, अब हम लोग लिखेंगे 7 और गुणित 9 और 6 कितने हो गए हमारे 15 हो गए, और 15 सत्ते कितना होता है हमारा, तो हमारा आप बोलेंगे सर 135 होता है, 15 सत्ते 135 सही आया ना आंसर, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आंसर है शायद इंगे वाला है, तो इंगे वाले 15 सत्ते 105, सॉरी गलत लिख गया मैं, यहाँ पर 105 हमारा आंसर आना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। 15 सत्ते कितना होगा हमारा 105, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है, 135 लग गया था शायद हम। चलिए बेटा आगे देखते हैं, और यहाँ पर च वाला देखते हैं, ठीक है। च वाले में क्या लिखा हुआ है, 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस, और यहाँ पर लिखा है 16 माइनस के 3
है ना, और यहाँ पर गुणित में कितना है 4, ठीक है ना। मंझला कोष्टक बंद, छोटा सवाल है, आराम से कर सकते हैं। 16 सबसे पहले 1 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 16 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा बेटा 13, वो गुणा में हमारा कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, ब्रैकेट प्लस के यहाँ पर क्या है 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको 13 का गुणा करना है 4 में, ठीक है ना। 13 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 4 में करेंगे, तो 13 चौको कितना होता है हमारा 52, ठीक है, यानी कि 52 होगा हमारा, ठीक है। तो अब हमको फिर ऊपर, हाँ यही देखिए एक लाइन और आ जाएगी, 16 बाउंडर एक हमारा कितना हो गया 53, यानी कि 53 हो गया हमारा, हो गया। उसके बाद बच्चा हमको ब्रैकेट को हटा देना है, 16 प्लस कितना लिखा है 53, तो इनको ऐड करेंगे बच्चा, तो 63 हमारा आ जाएगा 9, है ना, और 5 और 1 हमारा आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा बेटा 69, ठीक है। 69 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बेटा 6 की ओर चलते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया। यहाँ पर ब्रैकेट माइनस के 3 शायद, हाँ मंझला कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम लोग, छोटा कोष्टक 3 माइनस के, और यहाँ पर लिखा है 3 माइनस के 3, ठीक है। बंद मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक सॉल्व कीजिए बेटा, 3 माइनस के 3 जैसे के तैसा हमारा, फिर से मंझला कोष्टक 3 लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या कर देना है, 3 लग गया, तो फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर हमारा ये लिखा है 3, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 में से 3 जाएगा बच्चा 0, 0 का कोई मतलब है, लिखना चाहो तो एक बार लिख दो, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर फिर से 3 माइनस के मंझला कोष्टक 3, है ना, 3 में से 0 जाएगा वो हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर जी 3 बचेगा, बचा हमारा 3, तो अब हमको क्या कर देना, 3 अंदर बचा है, ठीक है। अब ये छोटा कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 माइनस के 3 बड़ा ब्रैकेट है, फिर माइनस के, फिर मंझला कोष्टक है, ब्रैकेट को हटा देना है हमको, ठीक है। तो 3 माइनस के 3, ठीक है, तो 3 माइनस 3, फिर से 3 में से 3 जाएगा हमारा कितना बचेगा बच्चा 0 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ी इरेज करना पड़ेगा हमको, तो देखिए ज़रा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0, 3 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 3 लिखा है, फिर माइनस, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे 3, अब यहाँ पर प्लस और माइनस, फिर से ये 3 में से 0 गया 0, 3 कटेगा, तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, अब इनमें से एक दो क्वेश्चंस हम आपको बताएं, क्योंकि स्क्रीन में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लिखना थोड़ा कठिन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ सवाल हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, कुछ सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ये ज वाला बता रहे हैं, उसके बाद ये 3 आपको होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है बच्चा। तो हमको क्या करना है, पहले तो ज वाला हमारा ये हो गया ना, तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। 112 माइनस के, फिर हमारा लिखा है 121 भागित, फिर हमारा कितना लिखा है 11 इंटू 11, यानी 11 गुणित 11, माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट में माइनस के 4 लगे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा हुआ है 3, और फिर माइनस के, फिर 8 माइनस के 1, और ऊपर लगा हुआ है शायद ये रेखा कोष्टक, ठीक है। चलो बेटा सॉल्व करो, 112 जैसे के तैसा, माइनस के यहाँ पर आपका 11 यानी 121 भागित, 11 को 11 में गुणा करेंगे बेटा कितना आएगा, तो हमारा 121 ही आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 7, और बड़ा ब्रैकेट हमारा हो गया बंद। 112 माइनस के, यहाँ पर हमारा लिखा है 121, है ना। अगर चाहें तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट तो है नहीं, तो अगर चाहें तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को। 121 में 121 का जब भाग जाएगा बच्चा कितना बचेगा हमारा 1, प्लस के हमारा कितना लिखा हुआ है 4, ठीक है। और 3 में से यहाँ पर 7 जाएगा, है ना, तो 7 ज़्यादा है, तो 7 में से 3 गया, क्या कितना बचा हमारा 4 बचा, वो भी काय का बचा है, तो माइनस का बचा है, तो मंझला कोष्टक, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस के 4, ठीक है ना। फिर से देखो, 112 माइनस के, यहाँ पर लिखा है 1, 4 और 1 कितना हो गया बेटा हमारा 5, ठीक है, माइनस के, माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चा हमारा प्लस हो गया, ठीक। ऊपर देखो सॉल्व कर रहे हैं हम आपको, तो 112 है ना, और माइनस के 5 और 4 हमारा कितना हो गया 9, ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, ठीक है। तो 112 माइनस के 9 घटाओ बेटा, 112 में से जब हमारा 9 जाएगा, ठीक है ना, कौन सा जय सवाल है ना ये हमारा, ठीक है। तो
ये हमारा कौन सा है, 112, ठीक है घटाओ बेटा, तो ये हमारा बच्चा है 112 में से 9 जाएगा 103 बच्चा, ठीक है। ये वाला सवाल था, ठीक है ज वाला सवाल, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ज वाले को तो हमारा कितना आ जाएगा 103 आंसर आएगा, क्योंकि 112 में से हम 9 को घटाएंगे तो बेटा हमारा 103 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके सवाल है ना वो कम्प्लीट होते हैं। अब बोले सर ये 3 सवाल, तो देखो बच्चा ये आपको घर से ही करने हैं, ठीक है ना, ये आपका SW रहेगा इन 3 सवालों का, ठीक। और अगर फिर भी आपको नहीं आया होगा तो अगले बार हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप अगले लेक्चर में इसको मिला लेना कि आंसर सही आया या नहीं, बट अभी के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अभी के लिए ये जो आपके 3 है वो होमवर्क है, और पिछले अगले जब टर्न में या कल ही जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो ये आपका हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना उसका, तो ये आपको आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े सॉल्यूशन हो जाते हैं और स्क्रीन पर पूरे आते नहीं हैं, ठीक है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए घर पर, धन्यवाद।